कर मन से अब हो न करो चुप कर मन से कब हो न करो अरे रोज सो जब चाय लड़ो निश्चित मुझे अपने पति की शहादत पर गर्व है। आप भी सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करें। ये विचार 1965 के जंग के हीरो शहीद अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता की 86 वर्षीय धर्मपत्नी रसूलन बीबी ने गांव आसल उताड़ में पति को श्रद्धांजलि अर्पित करके पेश किए। इस मौके उनके साथ उनके पुत्र जमील भी मौजूद थे। रसूलन बीबी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने अपने पति शहीद अब्दुल हमीद की मज़ार पर चादर चढ़ाई है। उन्होंने कहा कि वो 10 साल बाद इस शहीद स्मारक पर परिवार के साथ आई है। इस दौरान शहीद के पुत्र जमील ने कहा कि उनकी दादी रसूलन बीबी यहाँ लंबे समय से आना चाहती थी लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाती थी। उन्होंने कहा कि आज अपने दादा सहित बाकी शहीदों को श्रद्धांजलि दे उन्हें गर्व महसूस हुआ। उन्होंने मांग की कि सरकार शहीदों के परिवारों को नौकरी के लिए आरक्षण दे। उन्होंने अपैटन टैंक नष्ट किया है और उनको सर्वोच्च पदक जो भारत का है वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बोले वो तो है ही लेकिन जितने भी शहीद हैं उनसे और उनके साथ इन्होंने ऐसा काम कर दिया है जो आज उनके नाम के आगे वीर शब्द का उपयोग किया जाता है। जो वीर शब्द ऐसे शख्स को लगाया जाता है जो वीर योद्धा के रूप में देखा जाता है और इनका नाम शहीद वीर अब्दुल हमीद रखा गया जो परमवीर चक्र उनके शहीद होने के बाद मिला हमारी दादी जी को। वो परमवीर चक्र दादी जी साथ में रखती हैं और हम उनकी सेवा में साथ में जब रहते हैं तो कहीं भी जब जाना होता है तो दादी पूछती है परमवीर चक्र लेके चले। हमने कहा दादी आप तो खुद ही परमवीर चक्र लेके जाने की क्या अभी जरूरत है। भिखिवेंट से जाट टीवी न्यूज के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट।